जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आज म हजुरहरुलाई लिएर जाँदैछु दर्शन गराउनको लागि धेरै नै पवित्र र प्राचीन स्थान, जसलाई चाहिँ हामीले बराह क्षेत्र भनेर भन्ने गर्दछौँ। बराह यानि सुगर। भगवान विष्णुले जब सुगरको रूप धारण गर्नुभएको थियो, त्यति बेला चाहिँ यस स्थानलाई चाहिँ यही स्थानमा बराह नारायण भगवान आउनुभएको भन्ने एउटा मान्यता ब्रह्मपुराण, बराह पुराण अनि स्कन्द पुराण साथै महाभारतहरूमा पनि यस स्थानको बारेमा उल्लेखहरू भएको हजुरले सुन्न र देख्न दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ। सुनसरीको धरानबाट 25 किलोमिटर टाढामा अवस्थित यो बराह क्षेत्र धामको दिव्य दर्शन गराउन म हजुरहरूलाई गइराखेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म सबैजनाले हेर्नुहोला र मैले हजुरहरूलाई सम्पूर्ण दर्शन गराउने कोसिस गर्दैछु। जय राधे। धरतीको पहिलो तीर्थ जसलाई चाहिँ बराह क्षेत्र भनेर भनिन्छ। यो चतरा धामदेखि अगाडि कोका र कोसिकीको सङ्गम स्थलमा अवस्थित श्री बराह क्षेत्र आज दर्शनको क्रममा म पनि पुगेको छु र हजुरहरूलाई पनि मैले दर्शन गराउन गइराखेको छु। यो बराह क्षेत्र धामबाट कोसिकी सङ्गम। जय राधे श्याम। मैं आप लोगों को दर्शन आज करा रहा हूँ नेपाल के सुनसरी जिला में अवस्थित बहुत ही प्राचीन जो मंदिर है, श्री बराह नारायण का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। तो आप लोगों को भी इस स्थान का दर्शन करा रहा हूँ। नीचे में कोका और कोसिकी नदी का, दोनों नदी का संगम स्थल है ये। संतों को समागम यह भक्त था, इसलिए यहाँ देने में आनंद आ रहा था। भगवान बारा की कृपा से यहाँ पर आनंद प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दूर दूर से संत आए हुए हैं। कल जो पूर्णमासी है, पूर्णमासी की जो निशान स्नान है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ संत लोग सब आए हुए हैं। और देखिए संत भगवान जो है बहुत देर से यही आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। मैं नेपाल के श्री बराह क्षेत्र धाम का बहुत दिव्य दर्शन है और यहाँ जो है अभी का कोई तीर्थ नहीं है, ये बहुत प्राचीन और पौराणिक तीर्थ है। उस जमाने का जो जब भगवान विष्णु भगवान ने जब बराह नारायण भगवान का रूप धारण किया था, तभी का ये तीर्थ है। और जो ये पहली बार 1991 विक्रम संवत में ये पुनः निर्माण हुआ था, उसके बाद में भी ये भूकंप में ग्रसित हो गया, फिर भी उसको फिर दोबारा उसको बनाया गया है। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ संतों का ये डमरू बजाते हुए संत महंत जी महाराज का ये दिव्य दर्शन आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ। बराह क्षेत्र धाम पार्वती जिला में अवस्थित। वाह संत भगवान महाराज जी, हजुर को शुभ नाम महंत रामेश्वर गिरी। जय श्री पंच दस नाम जुना अखाड़ा तेरा मड़ी। जय श्री राधेश्याम। हजुरहरूलाई यो मैले दर्शन गराइराखेको थिएँ, अहिले दर्शन गरिराख्नु भएको थियो सन्त महन्तहरूको, र अहिले मैले तल चाहिँ यो सङ्गम स्थानमा लिएर जाँदैछु, जहाँ कोका र कौशिकी नदीको पवित्र सङ्गम भएको दर्शन छ। यो स्थान बहुत प्राचीन हो। भगवान विष्णुले जब सुगुर अवतार लिएर, बराह नारायणको अवतार लिएर आउनुभएको थियो र त्यति बेलादेखिको यो मन्दिर हो भनेर मान्यता छ। 1991 सालमा यसको निर्माण गरिएको र यसको पुनर्निर्माण युद्ध शमशेर को पहलमा गरेको भन्ने पनि हामीले सुनेको र जानेको, र 1991 भूकम्पपछि मन्दिर ध्वस्त भएपछि युद्ध शमशेरले बनाइएको भन्ने खालको पनि यहाँको किंवदन्ती एउटाको भनाइ छ। र यो दर्शन दिव्य मैले गराइराखेको छु। सप्तकौशिकी नदीहरूको मध्ये यो कोका र कौशिकी, यताबाट कोका र उताबाट जुन ठुलो भेगमा आउँदैछ त्यो चाहिँ कोशी, र कोका र कौशिकीको नदीको सङ्गम स्थल बराह क्षेत्र। ये दोनों नदी का संगम का दर्शन करा रहा हूँ। ये देख सकते हैं संगम है, एक तरफ से कोका, एक तरफ से कोसी की।
दोनों नदी का संगम स्थल में अवस्थित है ये बरा क्षेत्र। बहुत ही दिव्य मंदिर है और यहाँ के आसपास में बहुत से दर्शन आप लोग जब कभी आए तो यहाँ करने का बहुत ही मंदिर है। जैसे कि नज़दीक में ही चतारा धाम है और धरान में पिंडेश्वर है और वहाँ पर उसी जगह में बरा क्षेत्र में ही चतारा के नज़दीक में औलिया बाबा का मंदिर है और जो है पिंडेश्वर है, दंतकाली है, बूढ़ा सुब्बा है। इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे मंदिरों का दर्शन आप लोगों को होता है। जब कभी आप लोग इस साइड में आए तो यहाँ का दर्शन अवश्य करें। कोका और कोसी के संगम में स्नान जरूर करें। स्नान करके अपने जितने भी पितरों हैं उन लोगों को यहाँ से तर्पण देने से उन लोगों को सीधे मुक्ति मिलती है, सीधे उन लोगों के पास में पहुँचता है, ऐसा मान्यता भी हमने सुना है। तो आप लोगों को ये दर्शन करा रहा है। बरा क्षेत्र धाम सुनसरी जिला में अवस्थित। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। हजुरहरूलाई मैले दर्शन गराइराखेको थिएँ यो बरा क्षेत्र धामको। मैले प्राय भिडियोहरू इत्यादिहरू बनाउँदाखेरि हिन्दी भाषा र नेपाली भाषाको दुवै भाषाको प्रयोग गर्ने गर्दछु। जहाँ तक मेरो आफ्नो मान्यता यस्तो छ कि हाम्रो नेपालका तीर्थस्थानहरूलाई पनि हामीले हिन्दी भाषामा हुन्छ या अङ्ग्रेजी भाषामा हुन्छ तिनीहरूलाई बोलेर हुन्छ कसरी हुन्छ, बाहिरको व्यक्तिहरूलाई पनि जो श्रद्धालु भक्तहरू छन्, हिन्दू धर्ममा आस्थावान व्यक्तिहरू छन्, तिनी व्यक्तिहरूलाई हामी पनि यिनी यिनी स्थानहरूमा, नेपालका दिव्य स्थानहरूमा लिएर आउन सकौँ। जुन प्रकारले हामी यहाँबाट भारतका विभिन्न बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम इत्यादि मथुरा वृन्दावन जब दर्शन गर्न जान्छौँ भने हामी पनि उहाँबाट भारतबाट श्रद्धालु भक्तहरूलाई, दर्शनार्थीहरूलाई यिन स्थानहरूमा, पवित्र स्थानहरूमा लिएर आउँ भन्ने एउटा उद्देश्य दासले बोकेको हुँदाले दुई भाषाका प्रयोग गरेर मैले प्राय भिडियोहरू बनाउने गर्दछु। हजुर कसैले पनि अन्यथा नलिनु होला। जय श्री राधे श्याम। एकछिन जयकार सबैजना सुनौ। यो अहिले म पुगेको छु श्री पञ्चदशनाम जुना अखाडा। अखाडामा यहाँ साधु सन्तहरूको मध्येमा यहाँ हाम्रो पुरन गिरिजी महाराज हुनुहुन्छ, यसै गरेर विनायक पुरीजी महाराज हुनुहुन्छ। सन्त महन्तहरूको यहाँ जमात बसिराखेका छ। एक सिद्ध सिद्ध र शुद्ध सन्तहरूको दिव्य दर्शन यो मैले हजुरहरूलाई गराइराखेको छु। बरा क्षेत्र श्री चतरा धामदेखि करिब अगाडि धरानदेखि 25 किलोमिटरको अन्तरालमा अवस्थित छ। कुनै समयमा कहिले पनि हजुरहरूलाई समय मिल्यो भने यो स्थानमा आउने गर्नुहोला। नजिकैमा हजुरहरूको चतारा धाम छ। चतारा धाममा पनि कुम्भ मेला लाग्ने गर्दछ। कतिपय व्यक्तिहरूलाई, हाम्रै नेपालको व्यक्तिहरूलाई नेपालका स्थानहरू थाहा छैन, त्यसर्थ सबैले दर्शन गर्ने गरौँ यिनै कामनाको साथ। जतिजनाले पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। यो लास्टमा साधु सेवा शान्त भण्डारा विदाई कार्यक्रम दासको अलिकति दस्तुर एउटा गरेको थियो। त्यो यो दर्शन गराइराखेको थिएँ मैले हजुरहरूलाई बजा क्षेत्र चतरा धामदेखि। जय श्री राधे श्याम। ये दर्शन आप लोगों को जो कराया, बरा क्षेत्र धाम अवस्थी श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा में यहाँ साधु संतों का भंडारा कार्यक्रम यहाँ पर है, भोजन प्रसाद। तो उसमें थोड़ा सा दास के तरफ से थोड़ा सा दक्षिणा भेटी स्वरूप ऐसे करते हुए ये दर्शन करा रहा था आप लोगों को बरा क्षेत्र चतारा धाम। जितने लोगों ने भी ये वीडियो को देखा आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इस स्थान में पहुंच सकें, सबके लिए पहुंचने के लिए सहज हो, सुलभ हो, इसी कामना के साथ में
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। हजुरहरूले सम्पूर्णले यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरैजनाले सेयर गरेर सम्पूर्ण नेपाल लगायत बाहिरका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यस स्थानसम्म पुग्नलाई मद्दत गर्नुहोला। यो भिडियोलाई सेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हजुरहरूले। जय श्री राधे। विभिन्न धार्मिक स्थलोंका दर्शन एवं भजन संगीतका आनन्द लिनेके लिए बुलेट बाबा इन्डियन फकीर च्यानलको आप लोग लाइक शेयर सब्स्क्राइब और बेल आइकनको जरूर दबाए। जय श्री राधे श्याम।